तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको ले चलेंगे राइड एशिया ईवी का, जो कि प्रगति मैदान में लगा था 3 दिन के लिए 19, 20 और 21 अप्रैल को 2024 में। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे यहाँ पे किस किस कंपनी ने अपने व्हीकल्स जो है प्रमोट करने के लिए लाए थे, इससे बहुत सी जानकारी आपको वीडियो से मिलेगी। तो सबको ये मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। दोस्तों काफ़ी कुछ जो लोग इस ईवी में डील करते हैं या फिर ईवी से रिलेटेड है, उनको काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो आए ले चलते हैं आपको प्रगति मैदान ईवी में। तो दोस्तों मैं और मेरा भाई यहाँ पहुँच गए हैं राइड एशिया के जो ईवी यहाँ पे एक्सपो लगने वाला है। हम बाहर से एंट्री की है, देखो काफ़ी सारी कंपनीज़ के बोर्ड हमें देखने को मिलेंगे। एंट्री पे चेकिंग भी थी और हमें एक ईवी का बैंड जो है हाथ में पहनने के लिए दिया गया। अंदर एंटर करते ही आप इस तरह से कुछ माहौल देखेंगे, काफ़ी बड़ा है दिल्ली का ये प्रगति मैदान। तो आप देख सकते हैं अभी हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे, हम 10 बजे के करीब करीब यहाँ पे पहुँच गए थे, तो इतनी चहल पहल आपको दिखाई नहीं दे रही होगी दोस्तों। थोड़ी ही देर बाद भीड़ बढ़ने लगेगी, तो आइए ले चलते हैं अंदर। यहाँ से है एंट्री और एंट्री के बाद आपको दिखेगा रेड कारपेट, ये विजिटर्स के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया हुआ है। और यहाँ से आपको लेनी है अंदर के लिए टिकट्स, जो लोग डीलर हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए टिकट्स यहाँ से नहीं मिलेंगी, जो आम पब्लिक है आम जनता है उनको यहाँ से टिकट लेके ही अंदर जाना पड़ेगा, अपनी एंट्री यहाँ से करानी पड़ेगी। जैसे हमने एंटर किया, सबसे पहले स्टॉल लगा हुआ था बाज कंपनी का दोस्तों। ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक स्कूटर में, इलेक्ट्रिक रिक्शा में डील करती है और काफ़ी पुरानी कंपनी भी है, काफ़ी जानी मानी कंपनी भी है, काफ़ी नाम है इस कंपनी का। तो सबसे पहले हमने देखा इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स को, जैसे कि आपके सामने लोडर लगे हुए थे, ये सवारी वाला पैसेंजर रिक्शा लगा हुआ है। आप देखेंगे इस रिक्शा की बाकी कंपनीज़ के रिक्शा से कैसे अलग दिखता है आपको, आप इसकी पाइप्स देख सकते हैं, इसकी लेग स्पेस देख सकते हैं, अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं टायर में और काफ़ी स्पेशियस दिख रहा है आपको। सीट्स भी इसकी काफ़ी बड़ी हैं, बकेट सीट्स इसमें बनाई है। तो ये है बाज कंपनी के कोलैबोरेट्स ए स्टार कंपनी, जो कि बैटरीज़ में डील करती है, स्कूटीज़ में डील करती है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है ये मैन्युफैक्चर करती है खुद के। और ये मतलब काफ़ी अच्छे मैन्युफैक्चरर माने जाते हैं ईवी लाइन में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ये मैन्युफैक्चर करती है, जैसे हॉर्न हो गए, ब्रेक शू हो गए, ड्रम्स हो गए, बैटरीज हो गए। और उसके बाद हम ले चलेंगे आपको दोस्तों एक मोटर की कंपनी में, ये कंपनी है जो मोटर बनाती है, ई रिक्शा में यूज़ होने वाली मोटर है ये। देखो इन्होंने एक डिज़ाइन ऐसे लोगों को बताने के लिए बनाया है, असेंबल किया है डिफरेंशियल के साथ इसको जोड़ के। ये मोटर वाटरप्रूफ मोटर है, ऐसी मोटर आपने देखी नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि ये मोटर अभी जो आना शुरू हुई है। इसके बाद हम ले चलेंगे आपको, ये आप देख रहे होंगे कि ये जो मोटरसाइकिल है ये आम मोटरसाइकिल नहीं है, स्पोर्ट्स बाइक है और ईवी में है दोस्तों। सबसे बड़ी खासियत है ईवी में है, अक्सर ये पेट्रोल बाइक आपको दिखती है। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, हाँ जी ये देखिए दोस्तों, ये कुछ अजीब सी चीज़ हमें देखने को यहाँ पर मिली और हमने इसकी कीमत पूछी कि भाई जी इसको हम कितने में ख़रीद सकते हैं, तो 1,00,000 रुपये इसकी कीमत बताइए इस मोटर बाइक की। तो मैंने भाई को बोला यार इस पर थोड़ा सा बैठ के फ़ोटोशूट कराओ, देखो तो सही कैसा है दिखने में कैसा नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये मोपेड बनाती है कंपनी, साइकिल्स बनाती है। इसमें ये फ़ायदा होगा कि आपको पैडल भी मिलेंगे और बैटरी के सहारे आप आगे भी जा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे छोटे बड़े साइकिल्स जो है बनाती है कंपनी। आगे ले चलते हैं दोस्तों आपको, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे नई कंपनी जो कि साइकिल्स में डील करती हैं, जो बैटरी वाले साइकिल्स होते हैं उसमें डील करती हैं, ये भी आपको यहाँ पे मिलेंगी।
कुछ टायर्स में डील करती हैं, जो ईवी के टायर्स में डील करती हैं वो भी यहाँ पे आपको मिलेंगी। जैसे ये देखो हिंदुस्तान टायर्स का ये यहाँ पे बना हुआ है, सेटअप लगाया हुआ है। रीमार्क कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में डील करती हैं, और देखो बहुत ही प्यारा विंटेज लुक आपको स्कूटर का मिलेगा, जो जैसे कि वो आपका पुराना चेतक स्कूटर आया करता था। काफ़ी दर्शकों की भीड़ थी इस स्कूटर को देखने के लिए, और काफ़ी खूबसूरत भी लगा था। इसकी लाइट जो है सबकी ऑन रखी हुई थी गाड़ियों की, और अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ था दोस्तों। अब ये देखते हैं एक और लोड कैरियर, जो कि छोटा लोड कैरियर आप कह सकते हैं, ई रिक्शा नहीं है ये दोस्तों, ये है आपका छोटा मोटा सामान को कैरी करने के लिए। जैसे जो लोग दूध बेचते हैं वो यहाँ पे अपना दूध जो है कैरी करके मार्केट में दे सकते हैं, सप्लाई के लिए जा सकते हैं, या फिर अपनी सब्जी वगैरह जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। मतलब छोटा मोटा लोड 3-4 क्विंटल का जो है आप यहाँ पे लोड कर सकते हो। आगे भी इसका ये बना हुआ बास्केट बनी हुई है, जिसमें आप अपना छोटा मोटा सामान डाल के जो है ला सकते हैं हमारे पास। टायर्स काफ़ी पावरफुल हैं, काफ़ी हैवी दिख रहा है लोडर ये, और कीमत है इसकी तकरीबन 80,000 रुपये। इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ हैं, कुछ मॉडल्स भी इन्होंने हायर करी हुई हैं, जो कि यहाँ पे इन स्कूटीज़ को जो विजिटर्स हैं उनको बता रही हैं कि इन स्कूटीज़ के फीचर क्या हैं, और एक अट्रैक्शन के लिए इन मॉडल्स को जो है हायर किया जाता है। ये देखो और भी मॉडल्स इस कंपनी ने यहाँ पे हायर कर रखी हैं, जिनका काम है लोगों को अट्रैक्ट करना और स्कूटीज़ के फीचर जो है बता। ये देखो थ्री व्हीलर में जो लोग विकलांग हैं उनके लिए भी गाड़ी ये बनाई है, काफ़ी अच्छी लुक है इसकी भी, और ये हिसार की कंपनी है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे भी काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। तो मैं सब लोगों से बोलूँगा कि जिनको भी मौका मिलता है एक्सपो में जाने का, उस मौके को छोड़ें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी देखने को, बहुत सारे नए आपको आइडियाज़ यहाँ पे आएंगे कि आप मार्केट में किस तरह से काम कर सकते हैं। खासकर जो इसमें डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको जरूर जो है एक्सपो में जाना चाहिए। तो ये देख सकते हैं एक और बाइक जो है कंपनी ने यहाँ पे लगाई है। ऐसी ही बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। कुछ बैटरीज जो है बनाती हैं कंपनी, उन्होंने डिस्प्ले की है, अपनी बैटरीज यहाँ पर डिस्प्ले करी है। ये देख सकते हैं बाइक बिल्कुल हीरो होंडा शाइन जैसी, ये मोपेड जो आती है डिक्की जिसको हम बोलते हैं पुराने, लूना जिसको बोलते थे, NIT लूना जिसे आती थी ना, उस तरह की ये डिक्की जो है काफ़ी लोग अभी भी इसको पसंद करते हैं। ये देखो काफ़ी अच्छी लुक में है। ये सारा का सारा जितना भी आपको सामने दिख रहा है वो ईवी का ही स्टॉल लगा हुआ है, जितने भी ईवी का है। एक और स्कूटर हमें यहाँ पे मिला, इसकी भी काफ़ी अच्छी लुक थी, लेकिन स्कूटर जो है वो कुछ ही कंपनीज बनाती हैं इस तरह के स्कूटर। मार्केट में इनकी किस तरह से डिमांड होती है आपको ये समय पे ही पता चलेगा। परशुभि मोटर्स के नाम से ये कंपनी काम कर रही है मार्केट में, और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी है इनकी गाड़ियों की। उसके बाद लगी हम लोगों को दोस्तों भूख, यहाँ पे ही अंदर एक फूड कोर्ट बना हुआ था, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें खाने के लिए मिल जाएंगी। काफ़ी ब्रांड्स यहाँ पे आए हुए थे और जिनका अपना अपना स्टॉल लगा हुआ था, तो हमने भी अपना मेन्यू सिलेक्ट किया, हमने भी यहाँ से खाने की कुछ आइटम्स ली, और खाना खाने के बाद हम लोग जो फ्री सर्विस है बाज ई रिक्शा उसके थ्रू प्रगति मैदान से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद मैं और मेरे भाई ने वहाँ से हायर की एक कैब, और कैब से जो है हम लोग अपने होटल के रूम तक चले। तो दोस्तों बताएं वीडियो कैसी लगी, थैंक यू। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कुछ कमी है तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।